अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि जो हम FBA होलसेल प्रोडक्ट फाइल करते हैं तो उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप प्रोडक्ट $10 की परचेज़ कर रहे हैं और 15 में बेच रहे हैं तो आप प्रॉफिट ही हो। परचेज प्राइस के अलावा देयर आर अदर सम कॉस्ट जो आपको बेयर करनी होती है, ठीक है। तो कभी भी आप कोई प्रोडक्ट फाइनल करेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं 10 की चीज़ ले रहा हूँ और 15 में बेच रहा हूँ। नहीं, आप परचेस कॉस्ट के अलावा अमेजोन की अपनी पिक पैक शिप की फ़ीस होती है, रेफरल फीस होती है अमेजोन की, और फिर इसके अलावा कुछ मिसलिनियस कॉस्ट आपको पड़ते हैं, शिपिंग कॉस्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद पे ऑफ करनी होती हैं, ठीक है। तो कभी भी आप कोई प्रोडक्ट फाइनल करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परचेस प्राइस देख के आप सेल प्राइस एनालाइज नहीं कर सकते, दूसरे तमाम फैक्टर को देखना ज़रूरी होता है। ये एक एक्सेल की मैंने एक फॉर्मूला शीट बनाई है। हम एक काम करते हैं, इस एक प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, आप देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का SN क्या है, ताकि आपको आपके SN क्या होता है, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है, जो अमेजोन देता है। आप देखेंगे कौन सी कैटेगरी की ब्यूटी है या ग्रॉसरी है या कोई भी आप कैटेगरी की आप देते हैं, ग्रॉसरी की प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आप लिख लेते हैं। आप BSR ज़रूर चेक करते हैं, BSR क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक। ये नॉर्मली हम देखते हैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार के अंदर हो तो अच्छा होता है, लेकिन डिफरेंट कैटेगरी के लिए BSR डिफरेंट होता है। सम टाइम 25 हज़ार का BSR एक कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूसरी कैटेगरी के लिए अच्छा नहीं भी होता। लेकिन बहरहाल हम अपना रफाड़े रखते हैं कि 15 हज़ार के अंदर अंदर BSR होता है तो प्रोडक्ट एक अच्छी प्रोडक्ट मानी जाती है। लेकिन ओनली BSR, सिर्फ BSR के बेस पे आप प्रोडक्ट को फाइनल नहीं करते, इसके आगे पैरामीटर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप देखते हैं कि वो एक जो प्रोडक्ट है वो कितना बिक रहा है महीने का। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है जो महीने का बिकता है 1000 यूनिट, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, 1000 यूनिट बिक रहे हैं महीने के, और उसके अंदर सेलर अगर 10 सेलर हैं तो आपको मिला के 11 हो जाएंगे, 15 सेलर हैं तो आपको मिला के 16, और अगर आप बेचते हैं तो 16 सेलर हो जाएंगे। अगर किसकी मैं मिसाल के तौर पर 12 सेलर हैं और आप भी बेचना चाह रहे हैं कि सेलर इंक्लूडिंग मी, तो आपके हो जाएंगे टोटल 13 सेलर। अब इक्विटी पर मंथ, एक बंदे को कितनी इक्विटी मिलेगी, मिसाल के तौर पर 1000 यूनिट बेच रहे हैं तो, और 10 सेलर टोटल हैं तो हर सेलर के हिस्से में 100 इक्विटी या 100 यूनिट आने के चांसेस हैं। पर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 100 सबको बराबर आएंगे, क्योंकि सबको बाय बॉस मिल बराबर मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना महीने में बिक रहा है, ठीक है, 1000 बिक रहा है, कितने सेलर बेच रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे आप 1000 को सेलर्स नंबर ऑफ सेलर से, यूनिट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सेलर से, तो आपको पर सेलर इक्विटी निकल आएगी। अब 10 सेलर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि 10 के 10 सेलर 100 100 नहीं बेचेंगे, ज़रूरी नहीं है। एक बंदा 500 भी बेच सकता है, लेकिन मैंने एक अंदाज़ा निकाला है कि यार एक प्रोडक्ट है उसके अंदर 1000 यूनिट बिक रहे हैं और नंबर ऑफ सेलर 10 बैठे हुए हैं तो हर सेलर के पास 100 यूनिट आने के चांसेस है। ऐसा आइडियली नहीं होता, ये तो आप अपने लिए निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कॉस्टिंग पर। सिर्फ परचेज प्राइस कॉस्ट में नहीं आती, FBA की फीस होती है, FBA की रेफरल फी होती है, जो कि एक प्रोडक्ट का जब आप शिप करता है अमेजोन तो वो चार्ज करता है। अगर आप एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं मिसाल के तौर पर $10 की, और वो $4 की FBA की फीस चार्ज कर रहा है, तो 10 और 4 14 यही बन जाते हैं आपके। इसके अलावा अमेजोन रेफरल फी चार्ज करता है, आप जितने में सेल करते हैं प्रोडक्ट उसका 15%। अगर तुम सेल करने चाहते हो प्रोडक्ट को $20 में, तो $20 का 15% बनता है $3, ठीक है। तो ये FBA फीस $4 आपको कॉस्ट कर रही है, परचेज प्राइस $10 है, रेफरल फी $3। ये कैसे निकाली मैंने, सेल प्राइस जितनी की भी आप सेल करेंगे
उसका 15% जो होगा वो रेफरल फी अमेजोन चार्ज करेगा। याद रखिएगा FBA फीस अलग होती है, रेफरल फीस अलग होती है। FBA फी बेसिकली होती है पिक पैक शिप करने के लिए, जो अमेजोन आपके लिए इन्वेंट्री को शिप करता है, पैक करता है वगैरह वगैरह, ठीक है, उसके होते हैं FBA फीस। और रेफरल फी होती है जब अमेजोन किसी बायर को, आप कोई बायर ऑर्डर प्लेस करता है और अमेजोन आपको बाय बॉक्स देता है तो उसके 15% चार्ज करता है अमेजोन। तो अगर $20 का बेचेंगे तो $3 अमेजोन ले लेगा उसमें से, ठीक है। अगर $20 का बेच रहे हैं $3 अमेजोन ले लेगा तो कितने बचेंगे आगे आपके पास, 17 बच गए। 17 में से आप देख ले $4 अमेजोन की FBA फीस है, 13 बच गए। $10 का तो आपने परचेज किया है, $10 का तो आपने परचेज किया है तो 3 बच गए। मिसलिनियस कॉस्ट हम लगाते हैं $1 से $1.5, जब ये सब निकलेगा तो आपका प्रॉफिट बनेगा $1.5 का। अगर आप एक चीज $10 में परचेज करते हैं और अगर 20 में बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट $1.5 का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले कि मेरी परचेज प्राइस $10 है और मैं 20 में बेचता हूँ तो $10 का $10 मेरा प्रॉफिट, नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि अमेजोन की अपनी FBA फीस होती है, क्योंकि जब अमेजोन फुलफिल कर रहा होता है आपकी शिपमेंट, आपकी फुलफिलमेंट, तो अमेजोन उसकी कोई ना कोई फी रखता है। अब ये फीस वेरी करती है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह $3 हो, हर जगह $4 हो, हर जगह $6 हो, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के साइज पर। कोई बहुत बड़ा किचन का आइटम है, बहुत बड़ा आइटम है, कोई मिसाल के तौर पर कोई आपका बर्तन रखने वाला कोई रैक है, अब है तो बहुत हल्का, नहीं साइज बड़ा है तो उसकी पिक पैक शिप की कॉस्ट उतनी ही बढ़ जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा FBA फीस हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होती है। तो परचेज प्राइस तुम्हारी $10 होगी, मिसाल के तौर पर तुमने बाय सप्लायर से लिया है, मिसाल के तौर पर उसकी तुम FBA फीस $4 पे करोगे, अमेजोन को $3 रेफरल फी पे करोगे। अगर तुम $20 का बेचते हो, $1.5 मैंने रखा है एक मिसाल के तौर पर मिसलिनियस कॉस्ट। मिसाल तो मैं देता हूँ कि जितने भी आप इन्वेंट्री मंगवाते हैं तो आपको लेबलिंग करनी होती है, उस डब्बों के ऊपर लेबल लगाते हुआ कि इस डब्बे के अंदर ये प्रोडक्ट मौजूद है, तो लेबलिंग करने की कॉस्ट अमेजोन चार्ज करता है। समटाइम कुछ कॉस्ट होती है जो एडिशनल पे करनी पड़ती है आपको, शिपिंग कॉस्ट, कि सप्लायर कहता है कि मेरा वेयर हाउस जो है वो चाइना में है, मुझे चाइना से माल अमेरिका में पहले भेजना है, तो अमेरिका भेजने के पैसे अलग लगेंगे, आपको खुद पे करने पड़ेंगे। इसलिए ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि आप कोई सप्लायर या कोई प्रोडक्ट हंड करें तो उसका सप्लायर US के अंदर ही मौजूद हो, ताकि आपको शिपिंग कॉस्ट कम से कम बेयर करनी पड़े, ठीक है। बहुत दफ़ा आप कोशिश करते हैं, सप्लायर से बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं कि भाई हमें आपसे इतने डॉलर का माल लेना है तो क्या आप हमें शिपिंग फ्री करेंगे। समटाइम ये होता है कि वो कहते चले आप अगर 1,000, 5,000, 4,000 डॉलर का माल ले रहे हैं हमसे तो हम आपके लिए शिपिंग फ्री कर देंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेंट्री उठा रहे हो और सप्लायर से आपकी कैसे रिलेशनशिप है, ठीक है। तो $10 की आप एक परचेज करते हैं, उसके अंदर FBA फीस आप माइनस करेंगे, बिजनेस कॉस्ट भी आप लगेगी, रेफर फी आपको लगेगी, फिर आप टोटल कॉस्ट पता चलेगा कि FBA फीस, परचेज प्राइस, बिजनेस कॉस्ट और रेफर फी मिलाकर आपको टोटल कुछ पड़ रही है $18.5। अगर आप $20 में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा $1.5 का, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है। आप फिर परसेंट ROI निकालते हैं, ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप अगर प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं सेल प्राइस से तो आपको निकलता है 8% ROI होता है। तो कहा जाता है कि FBA होलसेल में 10-15% एवरेज ROI निकलता है, 8% कम है। अगर आप इसको $22 में बेचेंगे तो ये 15% का ROI हो जाएगा, $3.2 का फायदा होगा, अच्छा, ठीक है। अब आपको याद होगा हमने कहा था कि आपकी एक्सपेक्टेड सेल कितनी होती थी महीने की, 100 यूनिट हो सकती है। अगर तुम 100 महीने के बेचो और 100 बेचते हो और $3.2 का वो एक यूनिट पे फ़ायदा होता है तो 100 यूनिट पे आपको $320 का फ़ायदा हो सकता है। अगर आप मिसाल के तौर पर आप अगर 10 यूनिट बेचते हो
तो आपको $32 का फायदा होगा, $20 बेचते हो तो आपको $64 का फायदा होगा, ठीक है। अगर आप 50 यूनिट बेच सकते हो तो आपको $160 का फायदा, आप जितने में बेचेंगे एक यूनिट पे आपको $3.2 का प्रॉफिट है। तो आपको अगर आप 50 बेचते हैं महीने में या 10 बेचते हैं तो आपको कितना फायदा हो सकता है। तो हमेशा जब कॉस्टिंग करेंगे आप FBA होलसेल की प्रोडक्ट फाइनल करने के लिए, तो आप परचेज कॉस्ट के अलावा FBA की कॉस्ट लगाएंगे, रेफरल फीस में ऐड करेंगे और मिसलेनियस कॉस्ट मिनिमम $1 या $2 आप इसके अंदर ऐड करते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट जो हो क्लियरली आपको पता हो कितना प्रॉफिट होने जा रहा है। अगर तुम एक चीज $10 के परचेस करते हो और $15 में उसको बेचने जाते हो सेल प्राइस, तो आपको ये लॉस में जाएगा, क्योंकि आपको रेफर फी देनी है, मिसलेनियस कॉस्ट, FBA फीस, तो $18 की आप कॉस्टिंग पड़ रही है और 15 में बेच रहे हो, तो आपको $3 का लॉस है, ये -18% का आपको लॉस होगा। तो आप अगर सेल प्राइस अपनी आप $20 कर देंगे तो ये उतने ऑटोमेटिकली ये $1.5 आपको प्रॉफिट में चला जाएगा, ठीक है। $22-25 कर देंगे तो आपको ये ROI या $22 में आपको ROI 15% हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट की कैलकुलेशन होती है कि आप सब प्रोडक्ट फाइनल करते आ सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर Amazon बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। हम कोशिश करते हैं कि जब प्रोडक्ट फाइनल करें तो उसके अंदर Amazon ना हो, अगर होता भी है तो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, मतलब 1 साल के अंदर अगर 9-10 महीने Amazon बैठ आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर 1 साल के अंदर अंदर Amazon 12 महीने में 8-9 महीने बैठा हुआ है, तो जिस दिन Amazon अगर आपके लिस्टिंग में आएगा तो आपको बेचने में माल बेचने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट फाइनल करते हैं तो ना Amazon बैठा हो ना ही ब्रांड बैठा हुआ हो, और ये देखने के बाद आप देखते हैं कि बाय बॉक्स रोटेशन हो रही है या नहीं हो रही। कीपा के वजह से आप देखते हो कि जो आपके प्रोडक्ट है उसको तमाम सेलर को बाय बॉक्स मिल रहा है, तो आप यस करते हो। आप ये देखते हो क्योंकि ऐसा सेलर तो नहीं बैठा हुआ कि जो 60-70-80% बाय बॉक्स खुद ले रहा है, अगर कोई मेन बड़ा सेलर 50% से कम बाय बॉक्स देता है तो आप उस प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। ऐसा ना हो कि आपके जो प्रोडक्ट का बड़ा सेलर जो बैठा हुआ है कॉम्पिटिटर, उसके पास बाय बॉक्स 70-80% हो, तो फिर आप उससे लड़ नहीं सकते, सारे सेल वो ले जाएगा। आपको देखते हैं कि जो मेन सेलर बैठा हुआ है उसके अंदर माल बेच रहा है, उसका बाय बॉक्स 40-50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए परसेंटेज, ताकि आपको भी कुछ बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हो। बाय बॉक्स की रोटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर प्रॉफिट भी है Amazon भी नहीं है, बाय बॉक्स भी रोटेट कर रहा है, कॉस्टिंग भी अच्छी है, सेल प्राइस भी आपको मुनासिब लग रही है, तो आप बोलेंगे हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर बाय बॉक्स रोटेशन नहीं कर रहा और बड़ा सेलर बैठा हुआ 60-70% बाय बॉक्स विन कर रहा है, आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस कम होंगे, या Amazon बैठा हुआ है और Amazon आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं हो रहा, ब्रांड बैठा हुआ है वो भी माल बेच रहा है, तो आपके लिए माल बेचना मुश्किल होगा। तो कॉस्टिंग करते हुए इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि सिर्फ BSR अच्छा होने पे प्रोडक्ट फाइनल नहीं करेंगे, या BSR अच्छा है मंथली सेल बहुत अच्छी फाइनल नहीं करेंगे। नंबर मिसाल तो मंथली सेल 1000 है, बहुत अच्छी सेल है, अगर यहाँ सेलर 50 आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप फंस जाएंगे कि यार 50 लोग बेच रहे हैं तो मुझे 20 मुश्किल से मिलेंगे, तो ये नहीं पता चलेगा कि 1000 जन तो बिक रहे हैं और साथ में 60 सेलर बैठे हुए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर 500 यूनिट बिक रहे हैं और 4 सेलर है, तो आपके इक्विटी अच्छी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यूनिट सेल अच्छी होनी चाहिए, सेलर कम होने चाहिए, BSR अच्छा होना चाहिए और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आपको 10% से ज़्यादा ROI ज़रूर मिले एटलीस्ट, तब जाके हम बोलेंगे हाँ ये प्रोडक्ट इज हाईली रिकमेंडेड। अगर उसमें Amazon भी नहीं है, अगर है तो आउट ऑफ स्टॉक है और बाय पोजीशन अच्छी हो रही है तो ठीक है। तो ये होती है प्रॉफिट कैलकुलेशन, जब कभी भी आप Amazon की प्रोडक्ट आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कितना बिकेगा, आप ये भी देखते हैं कि कितने का बिकेगा और जितने का बिकेगा आपको कितना प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर मिसाल के तौर पर 1.5-2-3 डॉलर का फायदा है, आप अगर 1000 यूनिट बेच देते हैं $3,500 का प्रॉफिट आपके पास होगा। अगर आपके पास $3,500 का प्रॉफिट है, अगर 100 यूनिट बेचते हैं तो आपको $320 का फायदा होगा। तो डिपेंडिंग करता है कि आप कितने यूनिट और कितने बायपास आपको मिलता है, उस हिसाब से आपकी प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। तो ROI नॉर्मली Amazon होलसेल में 10-15% नॉर्मली होता है,
20% तो बहुत अच्छी बात है, 30% है, 40% तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 15% आप रखें माइंड में, तब जाकर प्रोडक्ट फाइनल करेंगे और उसकी इक्विटी चेक करेंगे और उसमें सेलर नंबर ऑफ सेलर भी देखेंगे। कोई ऐसा बड़ा सेलर ना बैठा होगा जो 80% 90% बाय बॉक्स ले रहा हो, अमेजोन खुद ना बैठा हुआ हो, ब्रांड खुद ना बैठा हुआ हो। तो प्रोडक्ट को फाइनल करने के लिए कॉस्टिंग के साथ साथ ये चंद पैरामीटर का देखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम स्टॉप करते हैं, ये परफेक्ट कैलकुलेशन शीट है, तो ये आप उसको अपने हिसाब से भी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने से पहले। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।